खोने के लिए क्या है अपने पास यार, 500 नंबर आ रहे हैं तो क्या वो तो होना ही नहीं है सिलेक्शन, वैसे भी 500 पे होगा क्या? तो अब रोने से या फ्रस्ट्रेट होने से क्या फायदा? इससे तो अच्छा है कुछ एफर्ट करें। नाखून कटा के क्यों शहीदों में नाम लिखवा रहे हो? सर कटा के लिखाओ, समझ रहे हो, सर कटा के लिखाओ। और इसका मतलब पूरे एफर्ट करके लास्ट तक जाओ, और इसके अलावा तुम्हारे हाथ में ही क्या यार, इसके अलावा तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। एक है ना, एक एक बहुत अच्छा इंसान मुझे मिला, ठीक है, ट्रेन में। बोला यार उसके पास ये है, उसके पास ये, बोल रहा था कोई दूसरा आदमी, बोल रहा था, बोले यार तुम्हारे पास ये गाड़ी है, ये कार है, ठीक है, ये घर है, इतने पैसे हैं, ये तुम्हारे नहीं है, इसको तुम केवल यूज कर रहे हो, रहे तो ये यहीं जाएंगे, इसको केवल यूज कर रहे हो, ये यहीं रह जाएंगे, तो क्या काम आएगा जो एफर्ट आप कर रहे हो अभी, जो जो कोशिश कर रहे हो, और कोशिश में जान होनी चाहिए। ये 500 450 फॉरगेट अबाउट इट, 600 650 फॉरगेट अबाउट इट, अभी फाइनल एग्जाम नहीं हुआ है, भूल जाओ कितने मार्क्स आ रहे हैं, जो सामने दिख रहा है ना क्वेश्चन, बस उस पर ध्यान दो, जो सामने क्वेश्चन दिख रहा है बस वो बस उतना ही ध्यान देना है, समझ रहे हो। ये मार्क्स वार्क्स सेकेंडरी होते हैं, पहला होता है कॉन्फिडेंस, कॉन्सेंट्रेशन, क्या होगा वो तो अभी भी आ रहे हैं, बाद में भी आएंगे, लेकिन कम से कम हम एग्जाम देने के बाद हमारे मन में एक सेटिस्फेक्शन हुआ, यार मैंने पूरी कोशिश करी, कोई ऐसी चीज नहीं थी जो मैंने छोड़ी, जितना मेरे में दम था मैंने कर लिया, हाँ कि ना। अब कोई राजपाल यादव से बोले यार खली को हरा दे तो हरा थोड़ी पाएगा, लेकिन कोशिश तो करता रहेगा। और मैं आपसे एक बात फिर बोल रहा हूं कि जो लास्ट तक जुड़ा रहेगा, जुटा रहेगा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ, उसके चांस तो बन जाएंगे, लास्ट बॉल आएगी छक्का मारने के लिए। अब ये आपके ऊपर है, ये 450 500 650 ये सब कुछ नहीं, ये मार्क्स कौन काउंट करने वाला है आपके, कि इस टेस्ट में हमारे 500 आए थे, कौन काउंट कर, कोई पूछेगा आपसे कौन से मार्क्स पूछे जाएंगे फाइनल एग्जाम के, तो उसकी तैयारी करते रहो बस, और क्या है, ये सबकी कहानी है, टॉपर्स को छोड़ करके सबकी कहानी है। जो हम सोचते हैं, जो हम सोचते हैं उससे हमें कम मिलता है, क्योंकि हम डिजर्व तो करते हैं, लेकिन हमारा हम खुद एक्सेप्ट नहीं करते कि हम ये कर सकते हैं। जिस दिन एक्सेप्ट करने लग जाओगे उस दिन मार्क्स भी आने लग जाएंगे। स्ट्रैटेजी बनाओ कि पेपर में पहले ये करेंगे फिर ये करेंगे, यहां टाइम वेस्ट होता है इसको छोड़ेंगे, वो स्ट्रेटजी बनाओ, उतना इन्वॉल्वमेंट घुसो उस चीज में, सोचो पहले से, सोच के जाओ कि ये छोड़ना है, ये करना है, ये छोड़ना है, ये करना है, देखो अपने आप इंप्रूव होंगे। आधे अधूरे मन से पेपर दोगे तो यही होगा, होगा कि नहीं। बहुत सारे क्वेश्चन हम गलत करके चले आते हैं, हमें आता है फिर भी गलत कर देते हैं, बेटर है कि हम उनपे वर्कआउट करें ताकि हम अपने एरर कम करें। जो आता है करोगे तो वही, तो जो आता है कम से कम वो सही कर दो, और जो फालतू टाइम वहां वेस्ट हो रहा है, जो चीज आती ही नहीं थी उसमें टाइम वेस्ट किया और उसमें करा भी नहीं क्वेश्चन, गलत भी किया, उनको एलिमिनेट करने की कोशिश करो, टेस्ट टेकिंग स्ट्रेटजी पर काम करो, बाकी पढ़ तो रहे हो आप, ठीक है, ज्यादा तो नहीं हो गया आज इस पे, ज्यादा बोल दिया क्या मैंने? पुट सर प्योर एफर्ट्स के साथ करना है इस बार, बिल्कुल, पढ़ाई तो हर दिन करते हैं पर मार्क्स नहीं आते, फिर भी मैंने वही बोला आपसे कि डर को हटा दो, बोल रहा है डर लगता है ना, मार्क्स नहीं आते तो डर लगता है, डर के करोगे क्या भाई, अभी डरोगे सिलेक्शन हो जाएगा, एमबीबीएस करने से डरोगे, ऑपरेशन करने से डरोगे, पेशेंट नाराज होंगे, हर चीज में डरोगे ही डरोगे क्या, तो लूजर बनोगे, और डर खत्म हो जाए आज आप सोच लो कि नहीं होगा हमारा, फिर भी हम लास्ट तक लड़ेंगे तो शायद सिलेक्ट हो जाओ, पहले डर को हटा दो। जो आपको सिलेक्शन के बाद, जो आपको सिलेक्शन के बाद दुख होना है ना अपने लिए, वो आज मना लो कि नहीं होगा, और अब पढ़ाई चालू कर दो, ज्यादा बोल रहा हूं, दुख पहले मना लो आप, एक दिन मना लो दुख कि नहीं हुआ सिलेक्शन, और फिर पढ़ाई चालू कर दो कि अब फोड़ के दिखाना है, फिर कर लोगे कि डर लगेगा। तो जो डरता है ना बच्चों, वो एग्जाम में भी डरता है, जो डरता है वो सिली मिस्टेक करता है,
और एरर करता है और उसके मार्क्स वैसे कम हो जाते हैं। डर को पहले हटाओ, क्योंकि ये एमबीबीएस करने से ही थोड़ी ना काम चलेगा, और भी आगे चैलेंजेस लाइफ में है, तो डरते ही रहोगे क्या?